समर। सर। इसका मतलब क्या हुआ? मूविंग ओवर नंबर्स। बताइए। सर इंडियन सिस्टम, और जैसे इंडियन सिस्टम में भी लिखा जाता हाँ है, इसमें फर्स्ट होता है नोविंग और नंबर्स, मतलब कि अपने नंबर्स को जानना। ठीक है, हम जो नंबर्स पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट एंड सो ऑन। तो यही नंबर्स को हमें क्या करना है, जानना है। ठीक है, कि नंबर्स होते क्या है। ठीक है, इंट्रोडक्शन आपका हो सर गया है। बोलो। तो जो हम ये डिजिट्स होते हैं इनको पढ़ेंगे, इनके बारे में जानेंगे। यही हमारा फर्स्ट चैप्टर, मूविंग ओवर नंबर्स, अपने नंबर्स के बारे में जानना। इसमें आप लोग को बताया गया होगा वंस प्लेस, टेंथ प्लेस, 100 प्लेस, 1000 एंड सो ऑन। ऐसे आपके इंक्रीज करते हुए चले जाते हैं और इन्हीं को हम लोग पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं, जैसे कि आपका ये लिखा है, इसमें वेट कीजिएगा। सर क्या बोलते हैं? हाँ, क्या पढ़ते हैं, इसको हम कैसे करते हैं? सर 108, ये 108 है ना? ठीक है सर, यस सर, यस सर। अरे ये 1008 है। ठीक सर 1000 ही एट है। है, तो अब हम लोग इसको पढ़ते हैं। ठीक है, इसी हम ये जानते हैं कि अगर ये लिखा है वन सर, डबल जीरो एट यस और सर, 99 ये है फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर, तो हम क्या जानते हैं 99 क्या है, 1008 से बड़ा है। नंबर 99 सर, जो है वो 1008 से बड़ा है ना? यस सर, हाँ नो सर, 99 छोटा वन नो। थाउजेंड हाँ, यानी कि 1008 वो क्या है, से। इसके कंपैरिजन में ये बड़ा है। ठीक है समझ, हम उल्टा बोले थे, ध्यान दिया करो, बातें समझा करो। ठीक है, ओके तो ये जो है हम इस चैप्टर में फर्स्ट जो है हम पहले जानते हैं कंपेयरिंग नंबर्स, कि कौन सा नंबर बड़ा सर। है कौन सा नंबर छोटा है, इसके बारे में हम जान लेंगे। ठीक है, इसमें से अब ये दो नंबर मान लीजिए दिए गए हैं, तो इस माले से पूछा जाएगा तो क्या होगा? सर स्मॉल पूछा जाएगा तो हाँ सर 99, अच्छा, अब ग्रेटेस्ट। 1008। अच्छा ठीक है, अगर 2 डिजिट कह रहा है, उसका स्मॉलेस्ट नंबर कह रहा है, तो वो क्या होगा? डिजिट अगर 2 डिजिट स्मॉलेस्ट का हम लोग पूछ रहे हैं सर, हर क्लास कि 2 डिजिट में स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है, तो क्या होता है? 10। 10। ठीक है, अगर 4 डिजिट में स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रहा है तो क्या है? बताओ। बताओ हर्षाद, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर अगर आपसे पूछा जा रहा है तो वो क्या होगा नंबर? स्मॉलेस्ट सर, हाँ, कितना? 10 स्मॉलेस्ट 10 है सर, 4 डिजिट का, 4 डिजिट का हर साल 4 1000। 1000। और ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट क्या पूछा ग्रेटेस्ट सर पूछा जाएगा तो क्या होगा? 1 डिजिट, 2 डिजिट, कितना डिजिट का सर? 4 डिजिट का अगर ग्रेटेस्ट बोला जाए तो वो क्या होगा? सर 9009। 9009। नो सर, नाइन क्या होगा? हंड्रेड नाइनटीन 919। ये 919, ये तो 3 डिजिट का है बस केवल। सर, हम लोग 4 डिजिट का ना करिए 9000, 99। 9899। अच्छा, फिर से एक बार बताओ।
सर 9999 ये 9999 ठीक है। तो यही है आपका नोविंग अवर नंबर्स, आप अपने नंबर्स के बारे में जान रहे हैं कि वन डिजिट का अगर स्मॉलेस्ट कह रहा है तो 10 होता है। अच्छा क्या कहते हैं हर्षराज और समर सर, अगर 10 टू डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है तो इसको आप कैसे सिद्ध करोगे कि ये सबसे स्मॉलेस्ट है? अगर कोई कह दे कि प्रूव दैट 10 इज स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर, तो कैसे आप एक्सप्लेन करोगे? एक्सप्लेन करोगे? अच्छा यस सर, अगर प्रूव करने के लिए कह दे तो प्रूव कर लेंगे? यस सर। कैसे? सर हाँ, ग्रेटर में सर 9 होता है वन डिजिट में और स्मॉलर हाँ, में 1 होता है। कैसे? अगर हम कह रहे हैं कि 10 टू डिजिट में स्मॉलेस्ट नंबर है, इसको हर क्या कहते हैं आप प्रूव करना है आपको कि यही जो हमारा 10 है वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, तो आप कैसे प्रूव करोगे, कैसे एक्सप्लेन करोगे, अपने सर को बताओगे, मुझे बताओगे कि सर ये इस रिगार्डिंग ये जो 10 है ये सबसे स्मॉलेस्ट है टू डिजिट का? सर हाँ, जो वन रहता है सर, वन में 10 लगा टू डिजिट हो जाएगा, और 20 लगा देंगे तो 3 डिजिट हो जाएगा, तो उसमें स्मॉलेस्ट में 9 होता है। हसरा सुनिए, जब प्रूव करने की बात आती है तो हमको उस पे फैक्ट देना पड़ता है, ठीक है। अब हमको यही प्रूव करना है कि 10 है वो 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है, तो हम क्या करेंगे, एक इसके नीचे और एक इसके ऊपर नंबर लिख लेंगे। 10 के नीचे कितना नंबर है? 9 और 10 के ऊपर कितना है? 11। सर हम यहाँ देखते हैं जब हम इससे और नीचे आते हैं तो हमें 9 नंबर मिलता है जो कि कितने डिजिट का है? सर 9 वन डिजिट का। हाँ सर, ये ना आपका ये 9 जो है ये 1 डिजिट का हो जा रहा है, इससे जैसे ही हम ऊपर जाते हैं सर हमारा 10 मिलता है जो कि 2 डिजिट में आता है। सो 10 इज स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर नंबर, ठीक है। अब अगर हम इससे ऊपर जाते हैं सर तो हमको 11 मिलता है, बट 11 से नीचे हमारा जो 10 है वो 2 डिजिट है और वो पहला डिजिट है 2 डिजिट का, तो सो ये ही हमारा 10 होता है स्मॉलेस्ट नंबर। एक्सप्लेन कर लोगे आप? यस सर। यस सर, ठीक है। चलो समर ये बताओ 99 क्या है और कैसे है? सर हम बताएं? हाँ बताओ सर। सर 99 के नीचे 98 लिख दीजिए। हाँ, और 99 के ऊपर 100 लिख दीजिए। हाँ सर, 98 टू डिजिट का है स्मॉलर और 100 ग्रेटर। हाँ अब देख रहे हैं सर, इसमें जब हमने एक सबस्ट्रैक्ट कर दिया तो ये हमारा 98 मिल रहा है, और हमने इसको 1 ऐड कर दिया तो ये हमारा क्या मिल रहा है? 2 डिजिट से डायरेक्ट कन्वर्ट किसमें हो जा रहा है? 100 में, 100 यानी कि 3 डिजिट में। सो यही हमारा क्या है 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है, यानी कि 99 जो होता है वो 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होता है, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसी में आपका 15 डिजिट्स क्या है? 15 डिजिट्स इसमें क्या होता है, डिजिट्स दिए जाते हैं, नंबर्स दिए जाते हैं, इनको शिफ्ट करना पड़ता है। शिफ्ट मतलब बताइए सर, शिफ्ट का मतलब क्या होता है?
सेट। बताओ हरसास, शिफ्ट का क्या मतलब होता है? सर की वॉइस नहीं आ रही। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। कह रहे हैं शिफ्ट का क्या मतलब होता है? शिफ्ट नंबर है। हाँ सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। कह रहे हैं शिफ्ट का क्या मतलब होता है? चला गया, गया। बताइए शिफ्ट का क्या मतलब होता है? शिफ्ट का मतलब बताइए। बताओ हर्षराज, 15 डिजिट आपको सर ने बताया था सर? सर मुझे 15 डिजिट का नहीं पता है। तो वर्ड मीनिंग क्या होती है शिफ्ट की? शिफ्ट मतलब क्या होता है? किसी चीज को इधर से उधर करना। क्या करना? इधर से उधर करना। ठीक है, तो आपको 2-3 नंबर दिए जाएंगे, बोला जाएगा इसको शिफ्ट करके या इधर से उधर एडजस्ट करके वो स्मॉलेस्ट नंबर बनाइए, ठीक है, या ग्रेटेस्ट नंबर बताइए, या अपने से प्रिपेयर कीजिए। जैसे कि आपका दिया गया है 795। क्या दिया गया? एक नंबर, 3 नंबर दिए गए आपके, 7, 9, 5। इससे आपको स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। बन जाएगा? ऐसा बन जाएगा। बताओ हर्षराज, बनाइए दोनों लोग। हर्षराज कोई बोलेगा नहीं, शायद आप लोग के पास 1 मिनट का समय है, बना लीजिए, उसके बाद बताइएगा। कोई बोलेगा नहीं, जिससे पूछा जाएगा वही बताएगा, अपना वीडियो ओपन करके केवल दिखा देगा। समझ करिए, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनाइए। मुझे आ गया। ठीक है, बताओ हर्षास, आप स्मॉलेस्ट बताओ और समर ग्रेटेस्ट बताएगा। स्मॉलेस्ट सर है 579। 579। चलो समर आप ग्रेटेस्ट बताओ। ग्रेटेस्ट था समर, ये स्मॉलेस्ट हर्षराज ने बता दिया, आप ग्रेटेस्ट नंबर बताओ।
समान चलो हर साल बताओ आप सर इसका होगा 975 975 ठीक है। अब इसमें क्या किया आपने नंबर्स की शिफ्टिंग शिफ्टिंग कर दी ये नंबर यहाँ कर दिया ये वाला नंबर यहाँ कर दिया ये नंबर यहाँ कर दिया तो नंबर्स की शिफ्टिंग करके या अदल बदल के आपने क्या किया स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर आपको मिल गया ठीक है यही होता है शिफ्टिंग डिजिट या शिफ्टिंग नंबर ठीक है क्लास आगे चले सर उसके बाद लगता है आपका एसेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर Yes, sir. किसी को पता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में बताइए सर ये बुक नहीं है मेरी असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं है मेरे में असेंडिंग पिछले बताया क्या ये बताया गया पिछली क्लास में आपको असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर हर समझ असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में आप लोगों ने कभी सुना है Yes, sir. Yes, sir. क्या होता है अर्थात बताओ असेंडिंग का मतलब छोटे से बड़ा छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग मीन्स बड़े से छोटा बड़े तो ये अभी तो आप लोगों ने फिफ्थ तक इंक्रीजिंग ऑर्डर पढ़ा होगा और डिक्रीजिंग ऑर्डर यही पढ़े थे आप लोग यस सर यानी कि इंक्रीज मतलब आगे जाना और डिक्रीज मतलब पीछे आना अब यही जब आप सिक्स में हायर क्लास में पहुंच गए हैं तो आपका यही क्या होता है एसेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ठीक है एसेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में और डिसेंडिंग मतलब छोटे घटते हुए क्रम में ठीक है तो आपको दो तीन क्वेश्चन दिया जा रहा है उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है हम देते हैं आप लोग करके दिखाइए यस सर तीन क्वेश्चन दे रहे हैं कैसे लिख रहा है यस सर करिए इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर में लिखिए तीनों क्वेश्चन की जल्दी से कैसे दिख रहा है सबको यस सर करिए इसको सर इसको किसमें लिखना है असेंडिंग में सर डिसेंडिंग में